हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आप देख रहे होंगे कि मेरे हाथ में एक टेबल है एंड देन मोबाइल का स्टैंड है और हम कहीं जा रहे हैं। मैंने सोचा हम किस तरह से वीडियो बनाते हैं, कैसे जाकर कितनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, तो ये सारी व्लॉग छोटी सी मैं आपके साथ शेयर करूँ। मेरे घर से थोड़ी ही दूरी पर ये नदी है और जिसका जो मौसम है, जो व्यू है, बहुत ही ब्यूटीफुल था। तो हमने सोचा कि चलो आज हम नदी पर जाकर वीडियोस बनाते हैं, देन वहाँ पर फ़ोटोशूट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोकेशन पे पहुँच गए हैं और अभी मैं ढूंढ रही हूँ जगह जहाँ पर मैं अच्छे से बैठकर वीडियो बना सकूँ। आप देख सकते हो पानी कितना ब्यूटीफुल है यहाँ पर, लेकिन बैठने के लिए जगह मुझे कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही। मैं थोड़ा आगे जाकर एंड देन थोड़ी जगह ढूंढती हूँ। और यहाँ पर बड़ी ही मशक्क़त के बाद हमें एक थोड़ी साफ़ सुथरी जगह दिखाई दी और हम अभी वहाँ पर पहुँचने वाले हैं। और यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं, आप देख सकते हो पानी एंड व्यू कितना ब्यूटीफुल है यहाँ पर। और यहाँ पर मैं बैठकर अपनी वीडियो ट्यूटोरियल बनाऊंगी। तो हम यहाँ पर रख देते हैं हमारा टेबल जो कि मैं घर से लेकर आई थी, क्योंकि मुझे पता था यहाँ पर बैठने से ही जगह नहीं होगी। और ये है हमारा व्यू। पहले तो मैं पैरों को अच्छे से धो लेती हूँ और उसके बाद मैंने ये जो सामान है घर से लेकर आई थी, सीज़र, अपनी अपने स्टेंसिल्स, अपने डिपर, अपना कोन। और जैसे ही मैंने स्टेंसिल उठाया, सबसे पहली गलती मैंने ये कर दी कि ये जो फिंगर है वो मुझे अपने पैरों पर लगाने थे, बट गलती से मैंने क्या किया, जल्दी जल्दी में ये स्टिकर को अपने फिंगर्स पर लगा लिए। बट इट्स ओके, कोई बात नहीं, इतना उतना चलता है। और यहाँ पर मैं अपने फिंगर हेना को अप्लाई करते हुए, आप देख सकते हो नदी का पानी कितना ब्यूटीफुली बह रहा है। और मेरे स्टेंसिल भी मैं धीरे धीरे करके अपने सारे फिंगर्स पर लगा चुकी हूँ। और अब बारी आती है फिंगर को डीपर में डीप करने की। पहले कैमरामैन थोड़ा सा डीपर पे मेरा फोकस कर दीजिए। और ये डीपर पे कैमरामैन ने फोकस कर दिया एंड देन आप देख सकते हो कितना फ्रेश जो मेरा डीपर है वो लग रहा है। एंड देन वन बाय वन मैं सारी ही फिंगर इसमें डीप करते जाऊँगी। और फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं कि व्यू जिस तरह से आपको इतना ब्यूटीफुल दिख रहा है उस तरह से ब्यूटीफुल हो। आप देख सकते हो यहाँ पर किस सिचुएशन में हम लोग बैठे थे एंड हम शूट कर रहे थे। उसके बाद हमारी अदिति हैदरी की अभी शादी हुई है, तो उसके जो मून स्टेंसिल है वो बहुत ही वायरल हुई। बहुत ही प्यारा सा छोटा सा डिज़ाइन किया था बट उनके हाथों पर बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी में मैं वही मून स्टेंसिल अप्लाई कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना वक्त नहीं था स्टिकर बनाने का एंड शाम भी बहुत होती जा रही थी। तो मैंने एक छोटा सा मून स्टेंसिल बना लिया एंड उसे अप्लाई कर लिया अपने हाथों पर। आप देख सकते हो मेरी पूरी ही मेहंदी एक हाथ की लग कर रेडी है। उसी तरह मैंने दूसरा हाथ भी अपना इस तरह से कंप्लीट कर लिया। और यहाँ मैं वेट कर रही हूँ 10 से 15 मिनट होने का, उसके बाद मैं यहाँ पर जाऊँगी अपने हाथ धोने के लिए 10 से 15 मिनट के बाद। और पानी का जो बहाव था वो बहुत ही स्लो था एंड मैं सोच रही थी आई डोंट नो किस तरह से मेरी मेहंदी का जो पेस्ट है वो इजीली रिमूव होगा। तो मैंने डरते डरते हाथ पानी में आखिरकार डाल ही दिए एंड जल्दी जल्दी इसे धोने लगी कि कहीं मेहंदी का जो कलर है वो इस हाथ पे या फिर जो मेरी डिज़ाइन है वहाँ से हटकर कहीं और ना चिपक जाए। उस बात का मुझे बहुत डर होता है हमेशा। मैंने फटाफट से हाथ अपने पानी में धो लिए और शुक्र है अल्लाह का मेरे हाथों पर स्टैंड कहीं पर भी दूसरी जगह नहीं लगा, वरना इंस्टेंट पेस्ट का स्टैंड बहुत जल्दी हमारे हाथों पर इस हाथ से लग के उस हाथ पर बहुत जल्दी चिपक जाता है। और यहाँ मैं स्टिकर रिमूव कर रही हूँ। अब स्टिकर रिमूव करते हुए याद रहे पानी में स्टिकर बिल्कुल भी बहाना नहीं है, बिकॉज़ ये डिस्ट्रॉय नहीं होते और इन्वायरमेंट के लिए गलत चीज़ भी होती है। तो स्टिकर को हम इस तरह से समेट कर घर पर ले जाएंगे। और आप देख सकते हो मेरी हाथों की मेहंदी कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। यहाँ शाम बहुत जल्दी ढलती जा रही है तो मुझे पैरों की मेहंदी भी कंप्लीट करनी है, तो मैं फटाफट से अपने पैरों की मेहंदी भी कंप्लीट कर लेती हूँ।
और यहाँ पैरों के मेहंदी के फिंगर्स हम अप्लाई करते हुए, आज मेरा जो स्टिकर है वो बहुत ही तिरंगे कलर का बन गया था। आप देख सकते हो तीन तीन कलर के स्टिकर मैं लेकर आई हूँ घर से। वीडियो को थोड़ा स्पीड कर दिया एंड देन मैं अप्लाई करूँगी। ये एक ही स्टिकर मेरे पास था तो मैंने सोचा इस मांडला को मैं अपने दोनों ही पैरों के लिए यूज़ करूँगी, एक ही स्टिकर में मेरे दोनों काम हो जाएंगे। और फिर यहाँ स्टिकर को कट कर लिया एंड अपने पैरों पर अप्लाई कर दिया और फिर यहाँ से मैं ट्रांसपेरेंट टेप को रिमूव करती जाऊँगी। फिर लिया मैंने अपना इंस्टेंट हेना कोन एंड फटाफट से अपने पैरों के स्टिकर पर सारा ही अच्छे से फैला दिया ताकि मेरी मेहंदी को इक्वली अच्छा सा कलर आए। और यहाँ पर व्यू का मज़ा लेते हुए 15 मिनट मैं वेट करूँगी मेहंदी का एंड देन फिर मैं पानी में जाकर इसे धो दूँगी। 15 मिनट हो चुके हैं फ्रेंड्स और मैं मेहंदी धोने जा रही हूँ। कैमरा पकड़कर मेहंदी धोते हुए वीडियो लेना थोड़ा मुश्किल हो रहा था तो फिर मैंने इस तरह से छोटा सा शॉट ले लिया एंड देन धोने के बाद की वीडियो ले ली। और आप देख सकते हो मेरी मेहंदी का कितना ब्यूटीफुल कलर आया है और ये लगने के बाद कितनी सुंदर लग रही है। और यहाँ हमारी वीडियो भी ख़त्म हो रही है एंड देन शाम भी बहुत ढलती जा रही है और मुझे भूतों का डर लग रहा है, नदियों पर भूत ज़्यादा होते हैं ना, इसीलिए तो मैं जल्दी जल्दी अपनी वीडियो कंप्लीट करते हुए, मेहंदी कंप्लीट होने के बाद छोटे छोटे शॉट्स यहाँ पर हमने ले लिए और अब हम जल्दी से निकलते हैं क्योंकि शाम बहुत हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अरे रुको रुको रुको, जब हम घर पर पहुँचे तो हमने हमारी मेहंदी के कुछ प्यारे से शॉट्स लिए थे, सोचा वो भी आपके साथ शेयर कर दूँ। तो आप देख सकते हो मेरे पैरों की और हाथों की मेहंदी कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। अरे रुको रुको, एक चीज़ बोलना भूल गई, वहाँ पर मैंने कुछ प्यारे प्यारे शॉर्ट्स फ़ोटोज़ भी लिए थे, वो भी देख कर जाओ, बहुत ही प्यारे फ़ोटोज़ आए थे। और आप देख सकते हो कितनी प्यारी लग रही है मेरी मेहंदी और मेरी मेहंदी के जो फ़ोटोज़ है वो भी। चलो अब की बार पक्के वाला, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।